हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। और देखिए, यहाँ पे अंसर भव्य स्कूल से आकर के और खाना वगैरह खा लिए हैं और कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। भव्य ने तो अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं और बैग देखिए ऐसे ही सोफे पे डाल रखे हैं। और मैं बोल रही हूँ सो जाओ तो ये लोग मोबाइल में लगे पड़े हैं। और इनको ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत पसंद है, उनको क्या मुझे भी पसंद है, तो हम लोग देखते रहते हैं। मैंने 8-10 ऐसे ना एपिसोड जो है डाउनलोड करके रखे हो मोबाइल में, तो वहीं लेकर के देखते रहते हैं। और देखिए, इसको कितना भी कह रही हूँ सो जा सो नहीं रही है। फिर जब मैंने मोबाइल छीन लिया इन लोगों से, लाइट वगैरह बंद किया है, तब जा कर के सोए हैं। फिर थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ शाम को। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है शाम का 7:30। और ये देखिए कुछ बर्तन वगैरह जो पहले के धो रखे हैं, बर्तन लगाने हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ बर्तन हैं अभी जो धोने हैं, उसको मैं रख दे रही हूँ। और आज शाम को जो बनाऊंगी वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ बनाऊंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा रूटीन है, इवनिंग रूटीन, वो स्टार्ट करते हैं। और शाम को डिसाइड हुआ कि बनेगा, मैंने करेले लेकर के बैठी थी कि करेले और करेले की भुजिया और कढ़ी और चावल बनाऊंगी, तो उसी का प्लान था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ी बैठा दे रही हूँ। तो मैंने दोपहर में क्या हुआ था कि दही निकाली थी यूज के लिए और दही बाहर ही रह गई। इतना खट्टा हो गया था कि बस थोड़ा सा दही ही मैंने यूज किया है, ज़्यादा दही यूज नहीं किया है। क्योंकि कभी कभी छाछ से भी बना लेती हूँ कढ़ी, और कभी कभी दही रहता है तो उससे भी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा खट्टा होने की वजह से ना मैंने बहुत कम ही दही यूज किया है। और उसके बाद ये देखिए हमारी फैमिली वीडियो कॉल, और फिर हस्बैंड आ गए थे, बोले थे कि नींबू पानी बना दो। तो कभी कभी ग्लूकोंडी बना देती हूँ, कभी नींबू पानी। तो इस चीनी को ना मैं हमेशा पीस करके थोड़ा सा रख देती हूँ, क्योंकि जूस ऐसे शरबत वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें जल्दी से खुल जाता है। और उसके बाद हम लोग का वीडियो कॉल चल रहा था फैमिली का, सब लोग, मम्मी बहन वहन सब भाई सभी लोग थे हम लोग। तो ऐसे ही होता है, जब एक दिन बात करेंगे ना इकट्ठा तो फिर कुछ देर तक बात करते हैं। तो यहाँ पे शरबत जो है नींबू वाला वो बना लिया है, और सब लोगों ने पी लिया था। मैंने इकट्ठा ही बनाया था 3-4 गिलास, तो सब लोगों ने ही पी लिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो दही निकाल के रखा था उसमें डाला है बेसन, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। और उसके बाद पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। साइड में मैं बैठा दे रही हूँ चावल। तो जैसे कढ़ी चावल बनाया था और मैं करेले काट रही थी, तो फिर बोले हस्बैंड कि नहीं ऐसा करो तुम पकौड़े बना लो। पकौड़े भी नहीं, बाज का बोलते हैं जो तवे पे जैसे सेकते हैं ना, तो कम तेल लगता है इसमें, तो बोले थे कि वहीं बना लो। और यहाँ पे देखिए कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, बाद में मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे चावल भी बन गया है। और बाजका की तैयारी करें तो आलू प्याज का बाजका बनाना था, तो यहाँ पे बेसन घोल लिया है और उसमें प्याज को मतलब गोल गोल से रिंग से काटने हैं। और काट करके मैं यहाँ पे बेसन कोट करके और इसको रख दे रही हूँ तवे पे, और कम तेल डाल करके और धीमी आँच पे मैं इसको सेकूँगी। और से मैं इसको जो बाजका है बनाती गई हूँ और सबको खाना देती गई हूँ, क्योंकि अभी ना मतलब रात शाम को अगर खाना बनाने बैठो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने कढ़ी चावल और बाजका बना दिया है, और जो भी बचा हुआ था पहले प्याज के और कुछ उसके बाद कुछ आलू के बनाए थे मैंने, तो यहाँ पे अंश को भी दे दिया है और भव्या को भी दे दिया है खाना, उसके पापा को भी दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो बचका है लास्ट वाला, इसमें आलू और प्याज दोनों ही था, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, 2 प्याज और 2 आलू ही लिया था, जिसमें 1 आलू बच भी गया था, 1 ही आलू भी बनाया था। तो यहाँ पे हमारा जो बाजका है वो बन करके तैयार हो गया है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो पर ना लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।